Hey everyone, गोल्ड को उसके पुअर कजिन सिल्वर के कंपैरिजन में सारी ग्लोरी मिल जाती है अपने इन्वेस्टर्स से। गोल्ड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हेज की तरह काम करता है और ये स्टॉक्स और बॉन्ड्स का एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट भी है। पर कभी कभी सिल्वर बहुत तेजी से अपने प्राइस में शूट अप कर जाता है और गोल्ड को भी आउट परफॉर्म कर देता है। नाउ सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है और तो और इन्वेस्टमेंट मेटल भी है जो कि सिग्निफिकेंटली इसके प्राइस परफॉर्मेंस और आउटलुक को इफेक्ट करता है। सिल्वर बहुत सारी चीजों के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, ग्लिट्जी ज्वेलरी से लेकर के हम्बल बैटरीज तक, मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर के माइक्रो सर्किट्स तक। सिल्वर का एप्लीकेशन सोलर इंडस्ट्री में भी है और इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी। सिल्वर में इन्वेस्ट करना टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस पे और क्लीन एनर्जी मूवमेंट पे एक बेट करना होगा। नाउ बोथ सिल्वर और गोल्ड सो फार 2023 में राइज हुए हैं अबाउट 11%, लेकिन सिल्वर प्राइसेस में ये रैली और भी ज्यादा लॉन्गर टर्म के लिए सस्टेन्ड रह सकती है गिवन इस मेटल की रोबस्ट डिमांड जिसका यूज काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज में भी हो रहा है। तो अगर आप ये जानने के लिए क्यूरियस हैं कि कैसे हम सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, देन प्लीज कीप वॉचिंग। तो गोल्ड की तरह सिल्वर भी इंडियन हाउसहोल्ड्स के लिए एक नेसेसरी एसेट है। आप सिल्वर को बहुत ही आसानी से परचेज कर सकते हैं ज्वेलरी की तरह, बार्स की तरह, कॉइन्स या फिर यूटेंसिल्स के फॉर्म में। हाउएवर सिल्वर में इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है जो कि है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF के थ्रू सिल्वर में इन्वेस्ट करना। ये एक एक्सलेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं और साथ ही साथ आप ये भी प्रेफर करते हैं कि आप सिल्वर के कॉइन्स या फिर ज्वेलरी को फिजिकली पोजेस ना करें। सिल्वर ETFs अपने एसेट्स का 95% फिजिकल सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं और सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में जो कि सिल्वर के प्राइस को NSE जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रैक करता है। सितंबर 2021 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड हाउसेस को सिल्वर ETFs लॉन्च करने का इंडिया में अलाउ कर दिया था। फिजिकल सिल्वर स्टैंडर्ड 30 kg बार का होना ही चाहिए, साथ ही साथ इसकी प्योरिटी 99.9% होनी चाहिए यानी कि पर 1999 पार्ट्स होने चाहिए प्योर, और ये कंफर्म करना चाहिए टू लंडन बुलियन मार्केट एसोसिएशन यानी कि LBMA से। सेबी ने म्यूचुअल फंड हाउसेस से ये भी बोला है कि वो सिल्वर ETF यूनिट्स के अंडरलाइंग जो सिल्वर है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करें। सिल्वर ETFs में एक ट्रैकिंग एरर होगी, ये एक्चुअल में होता है एनुअलाइज्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। पर किस चीज का? वेल ऑफ द डिफरेंस इन डेली रिटर्न्स फिजिकल सिल्वर और सिल्वर ETF के NAV के बीच का। सेबी ने 2% तक की ट्रैकिंग एरर परमिट की हुई है। सिल्वर ETFs के साथ आपको अंडरलाइंग एसेट के प्योरिटी या क्वालिटी की चिंता करने की जरूरत भी नहीं है और साथ ही साथ इसमें कोई स्टोरेज करने से रिलेटेड हैसल और चार्जेस भी नहीं होंगे। आप सिल्वर ETF को मार्केट प्राइस पर सेल भी कर सकते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा लिक्विड होता है। नाउ सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM ने मार्च 2023 में पिछले 5 months का बिगेस्ट जंप विटनेस किया। सिल्वर ETFs का AUM मार्च में 252 करोड़ से शॉर्ट अप हो गया। हाउएवर सिल्वर ETFs ने जनवरी और फरवरी 2023 में आउटफ्लोज भी विटनेस किए। एज ऑफ मार्च 23 कुल मिलाकर के 7 सिल्वर ETFs हैं जिनका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट ₹1,792 करोड़ का है। मोरओवर 3 महीने के बेसिस पर सिल्वर ETFs टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में रहे हैं और इनका एवरेज रिटर्न रहा है अराउंड 9% का। तो आखिर ये सिल्वर प्राइसेस बढ़ क्यों रहे हैं? इंडिया सिल्वर का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर है और इसके इंपोर्ट्स इसकी टोटल रिक्वायरमेंट का 90% है जो कि 2022 में अबाउट 9,500 टन्स का था। क्योंकि ये जो सप्लाई है वो फॉल कर रही है, इस वजह से सिल्वर प्राइसेस राइज हो रहे हैं। वर्ल्ड ओवर सिल्वर के लिए जो स्टॉक है यानी कि जो क्वांटिटी है वो सिल्वर की लास्ट 4 to 5 years में अपने लोवेस्ट लेवल्स पे है और इस वजह से अक्रॉस द ग्लोब इसकी एक बहुत ही ह्यूज डिमांड है। सिल्वर की डिमांड 5G टेक्नोलॉजी की यूसेज से भी आ रही है, साथ ही साथ ये डिमांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसके यूसेज से और रिन्यूएबल एनर्जी से भी आ रही है। तो आइए बात करते हैं कि गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या होता है। सो गोल्ड सिल्वर रेशियो जिसे हम मिंट रेशियो भी कहते हैं, ये है रिलेटिव वैल्यू ऑफ गोल्ड विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ सिल्वर। सिंपल टर्म्स में कहे तो इस रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है बाय डिवाइडिंग द प्राइस ऑफ गोल्ड विद प्राइस ऑफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ सिल्वर। यानी कि प्राइस ऑफ गोल्ड को डिवाइड करिए आप
इक्वल क्वांटिटी ऑफ सिल्वर के प्राइस से। सपोज करिए कि पर आउंस ऑफ गोल्ड का प्राइस है $1800 और पर आउंस ऑफ सिल्वर का प्राइस है $25, तो ये रेशियो हो जाएगा 72। कैसे? $1800 डिवाइड बाई $25, दैट इज एक आउंस ऑफ गोल्ड से आप 72 आउंसेस ऑफ सिल्वर परचेज कर सकते हैं। अब ये रेशियो हर दिन चेंज हो सकता है, वेरी हो सकता है, क्योंकि प्राइस ऑफ गोल्ड और सिल्वर भी तो कॉन्टिन्यूसली फ्लक्चुएट कर रहे हैं ना। अगर गोल्ड सिल्वर को आउट परफॉर्म कर जाता है तो ये रेशियो ऊपर चला जाएगा एंड वाइस वर्सा। हिस्टोरिकली देखा जाए, यानी कि पुराना डेटा देखा जाए, तो ये जो मेजरमेंट है, ये जो गॉज है, ये 65 से 75 के एवरेज रेंज में रहा है, जो कि सजेस्ट करता है कि हमेशा एक रूम है, एक स्पेस है सिल्वर प्राइसेस में रैली होने का। पर अब गोल्ड सिल्वर रेशियो करेंटली 80 पे है। ये रेशियो पॉइंट आउट करता है कि सिल्वर में एक आउट परफॉर्मेंस हुआ है, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि चीपर प्रेशियस मेटल्स जैसे कि सिल्वर की तरफ लोगों का एक लाइकली शिफ्ट हुआ है प्रेफरेंस में, क्योंकि रिसेंटली गोल्ड प्राइसेस में भी रैली आई है और सिल्वर में एक इंडस्ट्रियल डिमांड का पिकअप भी आया है। तो आइए अब सिल्वर ETFs के परफॉर्मेंस पर एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 6 मंथ और 1 ईयर के रिटर्न्स और साथ ही साथ ETFs के नेम दिख रहे हैं। तो सबसे पहला ETF जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF, जिसका परफॉर्मेंस की बात करें तो 6 मंथ रिटर्न्स रहे हैं 29.95%, वही 1 ईयर 12.49%. Similarly, we have Aditya Birla Sun Life Silver ETF with a 6-month return of 32.32% and a 1-year return of 13.97%. Similarly, you can see other ETFs and their respective returns. For example, ICICI Prudential Silver ETF, Kotak Silver ETF and others. इसका सोर्स है वैल्यू रिसर्च। तो अब बात करते हैं कि आपको सिल्वर ETFs में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या फिर नहीं। वेल, सिल्वर गोल्ड से ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है और साथ ही ये स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी के अगेंस्ट एक हेज की तरह काम भी नहीं करता। इस वजह से आपको सिल्वर ETFs में इन्वेस्ट करते वक्त कॉशियस रहना होगा। बुल मार्केट्स के दौरान सिल्वर काफी ज्यादा सोर हाई हुआ है और फास्टर भी एज कंपेयर टू गोल्ड। ये हुआ है क्योंकि इसकी हाई इंडस्ट्रियल डिमांड रही है और जिन इन्वेस्टर्स का एक हायर रिस्क टॉलरेंस है उनके लिए ये एक टैक्टिकल प्ले भी हो सकता है। तो दोस्तों अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। नाउ, प्रेशियस मेटल जैसे कि गोल्ड और सिल्वर किसी इंडिविजुअल के लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकते हैं। आप इसका एलोकेशन ओवरऑल पोर्टफोलियो के अराउंड 5-15% के बीच कर सकते हैं। विद इन दिस गोल्ड का एक लार्जर शेयर होना चाहिए क्योंकि ये एक बेहतर हेज है। इसका एक लोअर कोरिलेशन है दूसरे एसेट के साथ और ये स्लोडाउन्स के दौरान काफी ज्यादा इंसुलेटेड भी रहता है। सिल्वर आपके एलोकेशन का कोर पार्ट नहीं होना चाहिए, इसे एक डाइवर्सिफायर की तरह यूज करना चाहिए। गाइस, ये था आज के वीडियो के बारे में। आई रियली होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।